Hello, good morning all of you. My name is Musab Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. Student, हम आपके लिए आज एक टॉपिक लेके आए हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट. स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है द सॉलिड स्टेट, ये आपकी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है. स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूं कि इस चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से पूरे 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं हर साल. स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर से हर साल पूछे जाते हैं. इस चैप्टर के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 सवाल आते हैं पूरे, 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं हर साल, जिनमें से एक सवाल तो होता है 1 नंबर का और दूसरा सवाल होता है 2 नंबर का. इस तरीके से 3 नंबर के सवाल इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं. तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को. सबसे पहले चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट. तो हम इस चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं अपन आज, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट. सबसे पहले हम स्टेट को समझे. स्टेट किसको बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं अवस्था को, यानी कोई भी चीज अपन को किस फॉर्म के अंदर प्रोवाइड हो रही है, किस फॉर्म के अंदर अपन को मिल रही है, वो उसकी स्टेट हो गई. जैसे अपन पानी पीते हैं, वो पानी लिक्विड फॉर्म के अंदर अपन को प्रोवाइड होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलता है, तो उसकी स्टेट हो गई वाटर की लिक्विड. जो भी मेटल्स वगैरह अपन को मिलते हैं, उसकी स्टेट हो गई है सॉलिड. तो इस तरह अपने चारों तरफ जो भी पदार्थ होता है, वो कुछ ना कुछ स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है. या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, या लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा, या वो गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा. तो अपन इस चैप्टर के अंदर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे. सॉलिड का मतलब होता है मजबूत, बहुत ज्यादा सख्त. जो भी चीज मजबूत होती है, सख्त होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं. तो इसको पढ़ने से पहले अपन कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, जिनमें सबसे पहले चीज है मेटल. स्टूडेंट्स, ये मेटल क्या होता है? जिसको अपन बोलते हैं द्रव्य, या बोलते हो अपन पदार्थ, एक ही बात है. या तो क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य, या बोलते थे इसको अपन पदार्थ. अब मैटर किसको बोलते हैं? व्हाट इज दिस मैटर? ये अपन छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, 9th में या 8th क्लास के अंदर, के मैटर किसको बोलते हैं. स्टूडेंट, मैटर उसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कोई भी पदार्थ है. अब ये पदार्थ अपने चारों तरफ अगर जगह को रोक रहा है, यानी स्पेस को क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी जगह को रोक रहा है. और इस कंटेनर, इस सब्सटेंस के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई के साथ साथ में अगर इसके अंदर मास और प्रेजेंट है, तो इस सब्सटेंस को, इस पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे. अब अभी हमने बात की कि पदार्थ कोई ना कोई स्टेट में, कोई ना कोई फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है. तो वही अपन वहां पढ़ते हैं अपन स्टेट, यानी मैटर की जो है टाइप. अब मैटर जो है 3 टाइप के होते हैं मोस्टली, जिसके अंदर सबसे पहला होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, और तीसरा होता है गैसियस स्टेट. तो हम सबसे पहले सॉलिड को जान लेते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट.
अगर हम इसको समझ लिया तो इस चैप्टर को समझना बहुत आसान है। तो चैप्टर का नाम भी सॉलिड स्टेट है और ये मैटर का टाइप भी कितना है, तीन टाइप, थ्री टाइप। यानी मैटर जो है तीन टाइप के होते हैं, जिनमें फर्स्ट तो है सॉलिड स्टेट, सेकंड है लिक्विड स्टेट और थर्ड है गैस स्टेट। सॉलिड किनको बोलते, देखो ये अलग अलग इनके जो है अलग अलग तरीके से इनको एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे सॉलिड है, फर्स्ट इसके अंदर एक्सप्लेन किया था तीनों को मिला के इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे उनको कोई पदार्थ मिला लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, उस पदार्थ के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ही पास पास में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन को एक पदार्थ लेबोरेटरी के अंदर मिला, अब उसको जानना है कि उसकी स्टेट कैसी है, लिक्विड फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म के अंदर है या सॉलिड फॉर्म के अंदर है। यदि उस पदार्थ के अंदर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है यदि वो बहुत कम है, क्या यदि उस पदार्थ के अंदर, उस मैटर के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स जो है उन पार्टिकल्स के बीच में या अणुओं के बीच में स्पेस न के बराबर है, यानी बहुत ही कम है, नियरेस्ट है, तो ऐसे सब्सटेंस को अपन बोलते हैं सॉलिड। स्टूडेंट लिक्विड किनको बोलते हैं, कि कोई पदार्थ अपन ने बनाया उस पदार्थ के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो थोड़े दूर दूर है तो उनको अपन बोलेंगे लिक्विड स्टेट। स्टूडेंट्स जो गैस स्टेट होती है, अपन ने जो पदार्थ बनाया यदि उस पदार्थ के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर है तो उनको अपन क्या बोलेंगे, गैस स्टेट। जैसे सॉलिड स्टेट का एक एग्जांपल लेते हैं अपन एफी, एफी मतलब आयरन लोहा, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होती है उनके अंदर, तो सॉलिड के अंदर आ गया। वाटर यानी लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मोस्टली अपन वाटर ले लो, ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले लो आप। और गैस स्टेट के अंदर क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस है, CO2 गैस है, O2 गैस, ये सारी क्या होती है गैस स्टेट के अंदर अपने एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है। ये तो है इसकी मैटर की बातें कि सॉलिड किसको बोलते हैं, लिक्विड किसको बोलते हैं, गैस किसको बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर ओनली फॉर सॉलिड की ही बात करेंगे, लिक्विड की और गैस की बात हम इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट हमने इतना जो पढ़ा है वो मैटर के बारे में पढ़ा था अभी, कि मैटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन होते हैं, जिसमें से हमको हमें जो है सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर से हमें ओनली सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो हम अब जानते हैं कि सॉलिड के अंदर क्या क्या करैक्टर्स होते हैं पूरे अच्छी तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, सबसे पहले हमने अभी कहा है कि कोई भी सॉलिड होता है वो सख्त होता है, ऐसे तो है नहीं कोई भी चीज है वो आसानी से टूट जाए। जैसे लोहा है, क्या आप लोहे को आसानी से आप तोड़ सकते हो, क्या बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसके अंदर ये करैक्टर होता है कि वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा सख्त होता है। तो सबसे पहला करैक्टर अपन क्या लिख सकते हैं कि सॉलिड जो है सख्त होता है, मतलब सॉलिड आर रिजिड। रिजिड का मतलब होता है मजबूत, इस रिजिड का मतलब क्या होता है, मजबूत, बहुत ज्यादा सख्त होना, बहुत ज्यादा मजबूत होना, ठीक है। अब हमने लिखा है एंड हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, ये मैं हमने रूम बनाया, ये एक सॉलिड फॉर्म है, क्या बताओ इस रूम का कभी शेप कभी चेंज होगा क्या, अभी कभी इसकी जो है शेप चेंज कभी नहीं होगा। तो सॉलिड जितने भी अपने चारों ओर प्रेजेंट है, जैसे टेबल अपने बनाया मार्केट के अंदर लेके आए घर पे, उस टेबल का कभी शेप कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 1 किलो का जो वाट आता है उसकी साइज हमेशा फिक्स रहती है, उसका वजन कभी बताओ चेंज होता है क्या, उसका वजन कभी भी चेंज नहीं होता। 1 किलो का वाट है, 1 किलो का वाट हमेशा पूरी जिंदगी भर 1 किलो ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। या 2 किलो का वाट है वो हमेशा 2 किलो का ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड के अंदर हम पहला तो पॉइंट अपने समझ लिया कि मजबूत होते हैं,
दूसरा क्या है उसकी शेप यानी आकृति कभी चेंज नहीं होता है, उसका द्रव्यमान उसका वेट कभी चेंज नहीं होता है, और तीसरा क्या उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मोस्टली वॉल्यूम को जो है अपन लीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम का अपन लीटर के अंदर जो है इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, तो यहां पर इसका वॉल्यूम भी कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब डेफिनेट का मतलब यहां पर हुआ है फिक्स्ड, यानी इस सॉलिड का शेप मास और वॉल्यूम साफ क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या लिक्विड का वॉल्यूम और शेप क्या सेम हो सकती है क्या? मेरा सवाल है क्या लिक्विड का वॉल्यूम और शेप सेम हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका वॉल्यूम तो यानी लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स हो सकता है, लेकिन कभी शेप फिक्स नहीं हो सकती। ऐसे समझो आप, जैसे आपने एक कंटेनर बनाया, एक पदार्थ बनाया, इसके अंदर एक लीटर जो है वाटर इसके अंदर डाल दिया, तो ये वॉल्यूम हो गया एक लीटर, और इसका शेप जो है इस तरीके की हो जाएगा। और अगर अपने पास एक बोतल है, ध्यान देना, एक बोतल है, इस वाटर को एक लीटर वाटर को इस बोतल के अंदर अपने डाल दिया, इस बोतल के अंदर एक लीटर तो वाटर रहेगा, लेकिन इसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड के अंदर शेप तो चेंज होती है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर क्या है, शेप भी फिक्स रहती है और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से पहला वाला जो है पॉइंट वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी हम बात करते हैं, जैसे जैसे जो ये सॉलिड बनता है, अभी मैंने बताया कि एक कंटेनर अपन ने बनाया, अभी अपन ने बात की थी उसके अंदर सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या थी, बहुत ही कम थी, निकटतम थे पार्टिकल्स, पास पास में थे पार्टिकल्स। ठीक है, तो अपन इसको देख के क्या बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट कि जो इनके बीच में इंटर मोलिकुलर जो डिस्टेंस होती है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स अभी बात करेंगे अपन इनके बारे में कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, जो है मेटल्स एटम्स सारी बात करेंगे अपन। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है, ये ईंटों से बना हुआ है, तो जो क्रिस्टल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनता है, आयन्स के द्वारा बनता है, एटम के द्वारा बनता है। तो हमने बोल दिया इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस, यानी दो मोलिक्यूल है अपने पास, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आर वेरी शॉर्ट होता है। शॉर्ट का मतलब होता है यहां पर बहुत ही कम होता है, और आपको नजर भी आ रहा होगा कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। ठीक है, अब जो चीज जितने पास में होगी, ध्यान देना क्या बोला, जो चीज जितने पास में होगी वो उतनी ही मजबूती के द्वारा जुड़ी हुई रहेगी। तो यहां पर पार्टिकल्स पास पास में हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है कि सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर, इन तीनों के अंदर इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ज्यादा, यानी किसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग होगा, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होगा या लिक्विड में ज्यादा होगा या गैस के अंदर ज्यादा होगा? आपको पता है, अभी मैंने बताया कि जितने पार्टिकल्स पास पास में होंगे फोर्स उतना ज्यादा होगा, गैस के अंदर तो पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं तो फोर्स भी क्या होगा, वीक लगेगा, वहां पर वीक फोर्स होगा। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं तो सॉलिड के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा वीक लगेगा फोर्स, जबकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत ही पास पास में होते हैं तो इनका इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अपन एक और पॉइंट लिख सकते हैं, द इंटर मोलिकुलर फोर्स इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसीलिए क्या होते हैं, सॉलिड रिजिडली होते हैं। क्यों, यदि एग्जाम के अंदर सवाल आ जाए कि सॉलिड जो रिजिड क्यों होते हैं, तो इसका रीजन ये है
कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये आपको दो रीजन देना है अगर सवाल पूछ रहे हैं कि सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं ये समझे आप। देखो मेल्ट करना, मेल्ट का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज को लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो ये आइस है, ये क्या है, ये आइस। आइस का मतलब आप जानते हैं बर्फ है। बर्फ कौन सी फॉर्म के अंदर होता है, आपको पता है कि बर्फ जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपको इस बर्फ का क्या करना है, लिक्विड में चेंज करना है। किसके अंदर चेंज करना है, लिक्विड मतलब वाटर बनाना है इसका। यानी जब आप किसी आइस का, किसी बर्फ का वाटर के अंदर चेंज करेंगे, यानी पानी में जो अपन पीते हैं उस पानी के अंदर चेंज करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, उसको ठंडा करना पड़ेगा या उसको गर्म करना पड़ेगा। अब इसलिए आपको पता है कि उसको टेम्परेचर गर्म करना पड़ेगा, तो यहां पर किसकी बात करेंगे, ध्यान देना, यहां पर बात करेंगे टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर मतलब हीट देंगे उसको। तो अब ध्यान देना, मैं एक चीज बोलूंगा, स्टेटमेंट बोलूंगा, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस यानी आइस वॉटर के अंदर चेंज यानी लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बताओ समझ आया कि नहीं। मेल्टिंग पॉइंट समझ गए ना किसको बोलते हैं, कि यदि किसी आई यानी वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड के अंदर चेंज होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट। जैसे NaCl अपने पास होता है, नमक, हर घर के अंदर नमक होता है NaCl। इस NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो 801 होता है केल्विन की, 801 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और आपको पता है 801 तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और NaCl आपको पता है सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है NaCl, तो इसको देखते हुए से बहुत सारे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड सब्सटेंस है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 बहुत ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, क्योंकि यहां पर कितना है भाई, 801 है, समझ गए। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि सॉलिड जो होता है, क्या आप सॉलिड को आप दबाएं तो दब जाता है क्या, बिल्कुल कभी नहीं दबता है। क्यों नहीं दबता, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, कहां से दबेगा भाई। अरे इस रूम के अंदर 100 बच्चे आ सकते हैं और हमने 100 बच्चे रख लिए, अब हम उसको दबा रहे, पुश कर रहे हैं, तो एक भी बच्चा आगे पीछे नहीं होगा क्योंकि स्पेस ही नहीं है ना। तो इसीलिए सॉलिड के अंदर ये कैरेक्टर होते हैं कि उनके अंदर एक नेचर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको अपन दबाए तो दबता नहीं है, जिसको अपन दबाए, जैसे चौक है, इसको आप अपना पूरा फोर्स लगाओ नहीं दबेगा, क्योंकि जो चौक के अंदर जो कण है ना वो बहुत पास पास में है, इसीलिए दबते नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इनकंप्रेसिबल, यानी कंप्रेस नहीं होते। प्रेशराइज करो, फोर्स लगाओ, दबेंगे नहीं, कोई फोर्स काम नहीं करेगा। इसीलिए यहां पर क्या होता है, सॉलिड आर इनकंप्रेसिबल इन नेचर। आज के लिए हम इतना ही जो है इतना ही पढ़ेंगे कैरेक्टर्स। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है और पैकिंग एफिशिएंसी, क्लोज पैकिंग, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर अगर पसंद आई तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो चैनल, हमारे जो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और आपको एक और मेरी तरफ से जो है एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, आप पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स और अपने नोटबुक के अंदर बनाएं।
क्योंकि आपके पास नोट्स होंगे तो आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे बहुत और समझ भी पाएंगे। हमें पता है कि आप हर चीज को समझ पा रहे हैं, लेकिन 3 दिन 5 दिन या 1 महीने के बाद भूल जाएंगे आप। अब ऐसा तो है नहीं वापस 1 महीने के बाद देखेंगे इन वीडियो लेक्चर को, तो आप क्या करें वीडियो के साथ साथ में जो है आप नोट्स बना लें अपने नोटबुक के अंदर और उसको याद करते हुए अभी से चलें। बहुत लेंथी चैप्टर है, 2 ही नंबर का सवाल है, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, अब कुछ भी आ सकता है वो हमें पता नहीं है। हम आपको पूरे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, बल्कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। इस COVID-19 महामारी चल रही है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी पढ़ाई को बरकरार रखे, अपनी पढ़ाई करता रहे। पढ़ाई की वजह से स्टूडेंट जो है डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस वक्त, इसलिए हम चाहते हैं कि स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखे। जून अभी शुरू हुआ है, अपन को एग्जाम मार्च के अंदर देना है 2021 के अंदर, तो अभी बहुत लंबा टाइम है अपने पास, और अपन जो है पूरी वीडियो लेक्चर आपके लिए हम YouTube पे अपलोड करेंगे, बस आप हमें फॉलो करते रहे। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।